अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कैप्चर। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ही मुख्तलिफ वाक्य पेश आया है, जो शायद पिछले चंद एक सालों में या बड़े ही रेयर वाक्य जो हमने सुना हो। इस तरह से कि आसमान से बारिश होने लगी और वो भी मछलियों की बारिश शुरू हो गई और उनकी सड़कें सब भर गई मछलियों से, और वो मछली भी एक ही स्पेशी की थी। ये नहीं था कि मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ आके रोड पर गिरी हुई थी, और इतनी ज़्यादा तादाद में मछलियाँ गिरी हैं कि जो वहाँ रिहायशी थे उन्होंने बाकायदा उन्होंने वहाँ से मछलियाँ चुननी शुरू कर दी और मछलियाँ ज़िंदा थी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा एक दूर शहर वाकिया है, उसके रिहायशी बताते हैं कि वो बड़े हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि आसमान से मछलियों की बारिश हो रही है। ये वाकिया डार्विन करीबन 560 मील जनूब में वाकिया शुमाली इलाका जात की एक छोटी सी कम्यूनिटी लजमानू में बारिश और तूफान के दौरान पेश आया। अब ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा दूर ही ये शहर वाकई है, वहाँ पे ये सारा जो मामला है वो ये सारा पेश आया वहाँ पे, ये आसमान से मछलियाँ गिरने लगी, वो भी बड़ी तादाद में गिरी। अब सेंट्रल डेजर्ट के जो काउंसलर है एंड्रयू जॉनसन ने मजीद बताया कि हमने अपनी कम्यूनिटी की तरफ बढ़ते हुए एक बड़ा, वो बोलते हैं कि टॉर्नेडो ऐसे समझ लें कि एक भूकंप टाइप समझ लें, जो अक्सर हमने देखा हो कि रेतले मैदान में ये बड़े गोल तरह से घूमता हुआ आता है और अपने लपेट में हर एक चीज़ लेके आ जाता है, क्योंकि वो इतनी उसकी उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने अंदर कोई भी दरख्त घर ये कुछ भी हो जितना भी वो ताकतवर वो अपने साथ लपेट के ले आता है। वो भी बोलते हैं कि उन्होंने उसी तरह का एक भूकंप टाइप देखा जिसने एक बड़ा तूफान देखा, हमने सोचा कि ये सिर्फ बारिश है, लेकिन जब बारिश हुई तो हमने मछलियों को भी गिरते देखा। अब सेंट्रल डेजर्ट के काउंसलर ने मजीद अब एक और जो वहाँ पर का रिहायशी है उसने मजीद बताया कि मछलियाँ आसमान से गिरने के बाद भी जिंदा थीं और कस्बे के बच्चे उन्हें जमा करने और बर्तनों में रखने के लिए दौड़े, अगरचे वो कई बार अजीब और गरीब वाक्य का मुशाहिदा कर चुके हैं। वो बताते हैं कि हमने पहले भी काफ़ी साल पहले ये वाक्य पहले भी देखे हैं। हाँ, ये है कि उस टाइम पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इस तरह के कैमराज नहीं थे, ना सोशल मीडिया थी कि ये चीज़ें वायरल हो सकती हैं जो आज हो रही हैं वायरल। तो वो बताते हैं कि हमने पहले भी अपने बचपन में ये सारी चीज़ें देखी हैं। वो मजीद बताते हैं कि ये अब भी उन्हें हैरान कर देता है, मेरे ख्याल में ये रब की तरफ से एक नेमत है। अब मौसमी माहरीन क्या कहते हैं ये जानते हैं। मौसमी माहरीन के मुताबिक इस तरह के वाकयात तेज़ रफ्तार तूफ़ानों की वजह से हो सकते हैं, जैसे तूफ़ान जो दरियाओं का पानी और मछलियाँ चूसते हैं, तूफ़ान के दौरान वो आसमान से बारिश होने से पहले कई किलोमीटर तक ले जाते हैं। मतलब ये जो भूकंप होते हैं ये अपनी लपेट में हर चीज़ लेके आ जाते हैं, अब लेके तो आते ही अपने साथ और कई कई किलोमीटर लेके जाते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी सी देर वो तूफान आता है और थोड़ी सी देर के लिए ख़त्म हो जाता है, बल्कि कई किलोमीटर तक ये जा सकता है, और कई किलोमीटर दूर जाके अगर एक चीज़ उसने उठाई है तो कई किलोमीटर दूर जाके उसको फेंकेगा। अब माजी में भी ये वाकयात हो चुके हैं, वो इस तरह से कि 2010 में लजमानू में भी ऐसा ही हुआ था, और इससे कबल 2004 और 1974 में रिकॉर्ड किया गया था। एक मकामी रिहायशी पैनी मैकडोनल्ड ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्हें बताया कि वो 1980 की दहाई के वस्त में लजमानू में थी। जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि पहले लजमानू में और इस तरह से 2004 और 1974 में भी ये वाक्य पेश आ चुके हैं, तो वो बताती हैं कि 1980 की लेट 90s में वो लजमानू में थी जब आसमान से मछलियों की बारिश हुई। उसने दावा किया कि उस वक्त उसके घर के बाहर की सड़कें मछलियों से ढकी हुई थी। अगर आप देख पा रहे हो तो वीडियो में भी ये सारी तस्वीर चल रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया में वाक्य पेश आया और जिस तरह से मछलियाँ सारी रोडों पर फैली हुई हैं बड़ी तादाद में। अब वो मज़ीद आगे बताती हैं कि जब मैं सुबह उठी, मैं उस वक्त स्कूल में काम कर रही थी और मेरे घर के बाहर कच्ची सड़कें मछलियों से ढकी हुई थी। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि उस वक्त भी इसी बड़ी तादाद में मछलियाँ या जो भी चीज़ थी वो बड़ी तादाद में आके गिरती थी, और अब भी इसी तरह का वाक्य पेश आया। मतलब कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, रियल न्यूज़, ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है और अब भी हुआ है। वो छोटी मछलियाँ थी और उनके आस पास बहुत सी मछलियाँ थी, ये सिर्फ हैरत अंगेज था। वो बताती हैं कि वाकई ये बड़ा ही कोई हैरानगी और बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ें भी अगर हमने देखा था और अब भी दोबारा देख रहे हैं तो हर बार ये हैरत अंगेज ही साबित होता है। अब एक माहिर नफ्सियात कहते हैं कि
यजमानों में गिरने वाली मछलियों को ऑस्ट्रेलिया में मीठे पानी की सबसे आम मछलियों में से जाना जाता है, जिनका नाम स्पेंगल्ड पर्च और स्पेंगल्ड ग्रंटर्स, इन मछलियों का नाम वो बताते हैं कि वो ज़्यादातर पाई जाती हैं वहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।